11:35 पे मैंने फोन बंद किया और मैं सोने की तैयारी में था, आंख लगी थी कि मुझे 1:30 बजे फिर दोबारा फोन करके उठाया और बताया कि आपके घर में आग लग गई है, नेबर्स की तरफ से कॉल आई मेरी, और आप ऊपर से अपनी नाहली को छुपा रहे हैं। अपने इदारों की शर्म आनी चाहिए आपको, आप में शर्म का मादा है कि नहीं? आपका भी 5 साल का बच्चा बची जाए, आपका 5 माह का कोई बच्चा जाए, अल्लाह करे आप पे ये वक्त आए, आपको एहसास हो इसकी तकलीफ क्या है। बस कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास अल्फाज नहीं है भाईजान, मैं थक गया हूँ, मैं कितना रोऊंगा, मैंने अंदर से ख़त्म हो गया, मेरी जान ख़त्म हो गई, बस मेरा जीने का ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया, मैं क्या करूँ। इनके बताने के मुताबिक कि आधा घंटा पहले वीडियो कॉल पे बात हो रही है, उसके बाद 1 घंटे बाद कॉल आई कि सारा घर जल के राख हो गया। जी हाँ बिल्कुल, शिकवा क्यों नहीं है, मेरा सब कुछ उजड़ गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रिज़वान और आप देख रहे हो 22 न्यूज़। नाज़रीन, अफसोसनाक वाक़िया, भाटी गेट के अंदर एक ही घर के अंदर आग लगने से 10 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये वाक़या हुआ कैसे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अफसोस की बात है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। सर बताइएगा आप तक कैसे खबर पहुंची, आप तो बाहर हैं जहाँ तक बताया गया है, तो कैसे आपको पता चला? जी मैं बिल्कुल, मैं दुबई में होता हूँ और कारोबारी मामला में मेरा आना जाना लगा रहता है वहाँ पे। रिसेंटली तकरीबन 2 महीने पहले गया हूँ और 12 तारीख को मुझे रात 11:35 तक मेरी बात होती रही मेरे घर वालों से, और वीडियो कॉल पे जो रेगुलरली आप जानते हैं लोग वीडियो कॉल यूज़ करते हैं, मैंने अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपनी माँ के साथ मैं बात करता रहा हूँ। 11:35 पे मैंने फ़ोन बंद किया और मैं सोने की तैयारी में था, आंख लगी थी कि मुझे 1:30 बजे फिर दोबारा फ़ोन करके उठाया और बताया कि आपके घर में आग लग गई है, नेबर्स की तरफ से कॉल आई मेरी। मुझे मैंने जब रब्ता करने की कोशिश की सबके साथ, तो मेरा रब्ता किसी के साथ भी नहीं हुआ मेरा, और छोटा भाई है मेरा जो इस हादसे में, जो इस सानी हमें अकेला बचा है जो यहाँ पर मौजूद था, तो उससे कुछ चीज़ें मुझे पता चली, काफ़ी मामलात। तो इस सानी में मेरी माँ, मेरा जवान भाई जो लॉयर थे, मेरी बहन, उसके 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियाँ, मेरी बीवी, मेरा 5 माह का बेटा, मेरी 5 साल की बेटी, ये तमाम लोग इस आने में। एक पल लगा मेरा घर उजड़ गया, बसता हुआ मेरा घर उजड़ा, सोचा ही नहीं था, मैंने इतनी मन्नतों से अपनी औलाद ली, तरस के मुझे औलाद मिली और इतनी जल्दी चली गई। मेरा भाई जवान, मुझसे बड़ा लॉयर था वो, मेरा बाप की जगह मेरा यतीम करके चला गया मुझे वो। हाँ अगर इसमें सर्विस के जो देने वाले जो अदारे हैं वो अगर प्रॉपरली सर्विस देते, रेस्क्यू वाले करते, अच्छी सर्विस का टाइम से आ जाते, ये फायर ब्रिगेड वाले। आपको किसी से शिकवा है इस बार? जी हाँ बिल्कुल, शिकवा क्यों नहीं है, मेरा सब कुछ उजड़ गया है, ये सब कुछ कवर हो सकता था, इन सब मामलात को देखा जा सकता था, सब ना सही तो कुछ चंद लोग बच जाते अगर अदारे सर्विस देने वाले अपने टाइम पर आ जाते। यानी कि आग लगने पे उनको कॉल किए, अभी आगाज था बिल्कुल, मेरे साथ चले ऑन कैमरा रिकॉर्ड, मैंने हर इंटरव्यू में ये बात कही है, 7 से 8 मिनट का रास्ता है, 7 से 8 मिनट का रास्ता है, 2 घंटे में यहाँ पर वो पहुंचे। अच्छा, रेस्क्यू में 7 से 8 मिनट का रास्ता है? सिर्फ 7 से 8 मिनट का रास्ता, ऑन रिकॉर्ड लगा दी, 2 घंटे में पहुंचे। अगर वो आते तो शायद मेरी कोई बेटी, मेरा कोई बच्चा, मेरा कोई भांजा, मेरा कोई बहन, मेरा भाई, तरफ से क्या रिस्पांस आया? कुछ भी नहीं, मेरे सुनने में आया कुछ लोगों से मुझे पता चला है अपने सोर्स से कि वो डीजी साहब ने और बहुत से लोगों ने कमेंट्स दिए कि जी हमने 5 से 7 मिनट में हमने उनको रिकवर किया इन मामलात को। तो मैंने तमाम बाकी के भी न्यूज़ चैनल्स पे मैंने कहा है ऑन द रिकॉर्ड कि आए मेरे सामने बात करें, मेरा तो घर उजड़ गया, आप लोगों का गया कुछ नहीं, ऊपर से झूठ बोल और आप ऊपर से अपनी नाहली को छुपा रहे हैं। अपने इदारों की शर्म आनी चाहिए आपको, आप में शर्म का मादा है कि नहीं? मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा आपका भी 5 साल का बच्चा बची जाए, आपका 5 माह का कोई बच्चा जाए, अल्लाह करे आप पे ये वक्त आए, आपको एहसास हो इसकी तकलीफ क्या है। मेरे तमाम लोगों से मैं यकीन कीजिएगा, मैं मेरे पास गवाहान खड़े हैं,
आए मेरे मोहल्ले से पूछे, सब ने यही कहा कि हम कल गए हैं, मर गए हैं फोन कर करके। तो दो घंटे एक ही घर के 10, मैंने आपको बताया मेरा सब कुछ चला गया, मेरा खत्म हो गया, एक लम्हे में सब कुछ चला गया। आए कहाँ हैं वो लोग जो कह रहे हैं टीवी पे कि हमने प्रॉपर अपना एक्शन लिया विद इन 5 to 7 मिनट। अल्लाह करे आपके घर में हो, अल्लाह करे आपका 5 माह का बेटा जाए, अल्लाह करे आपकी 5 साल की बेटी जाए या आपके बच्चों के बच्चे जाएं, फिर मैं आपसे तकलीफ आगे पूछूंगा। आप अपने नाहिल छुपा रहे हैं। बताइएगा, लोगों ने बताया या भाई ने बताया ये लगी आग किस वजह से? सर देखिए, मैंने आपको बताया मेरे रूम में कोई भी नहीं था, शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। लेकिन कम से कम जिस अदारे का, और मेरे पास ये अभी भी चंद कम से कम ये मेरे सामने 4 से 5 चेहरे ऐसे खड़े हैं मेरी गैर मौजूदगी में, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आके बताया कि वो इस तरह से ऑपरेट कर रहे थे रेस्क्यू वाले, जैसे कोई कपड़े का थान नहीं खोलता, आराम से पाइप को ऐसे खोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं और नेबर से पूछ रहे हैं फिर कहाँ से गैस करें पानी का जी, कहाँ से सर्वे शुरू करें। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये 112 की नाइट, कहीं ना कहीं मैं दावा कर रहा हूँ उनकी, मैं दावा कर रहा हूँ, ये हमारा पानी वाला तालाब है यहाँ पे, वहाँ पर लड़का भेजा है, वो कहते हैं जी वो वहाँ पे है कोई बंदा ही कोई नहीं, वहाँ दफ्तर हमने खुद बाइक पे भेज दिया बंदा जाए। बड़े अफसोस की घड़ी है नाज़रीन, जैसे कि ये भाई हैं इनके घर के 10 लोग जिसमें इनके बेटा बेटी सारे ही इसकी फैमिली के रेलिवेंट थे, जिनकी वन बाई वन, एक इनके बताने के मुताबिक कि आधा घंटा पहले वीडियो कॉल पे बात हो रही है, उसके बाद 1 घंटे बाद कॉल आई कि सारा घर जल के राख हो गया है। बड़े अफसोस की घड़ी है। हुकूमत से आपके पास आया हो या पॉलिटिशियन आए हो उनकी तरफ से क्या सुना है? मेरे गैर मौजूदगी में कुछ एक दो पॉलिटिशियंस जो हैं दे हैव टू बिलोंग विद सम पॉलिटिक्स पार्टी, बट आई डोंट नो कि कौन आया, मैंने अभी तक पूछे नहीं। मैं अपनी मुसीबत में, अपने सियापे में हूँ, अपने अजाब में फंसा हूँ, मैं क्या पूछूं किसी से कौन आया था कौन। एक दो बस आए हैं किसी, हाँ, बिल्कुल किस्म की कोई बात या कोई एग्रीमेंट? सर क्या होता है एग्रीमेंट, वी डोंट नीड अबाउट द एग्रीमेंट, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी दौलत सारी चली गई, मेरी सब कुछ चला गया, मुझे इनके पैसों की, इनके एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। सारे अफसोस किया हो किसी, जारी बात अगर कोई आएगा तो वो दुआ तो करेगा, वो फातिहा तो कहेगा ना कम से कम, जारी बात है, बुरी बात है। जो आए हैं उनकी मेहरबानी है, बस बात खत्म। लास्ट पे क्या कहना? बस कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास अल्फाज नहीं भाईजान, मैं थक गया हूँ, थक गया हूँ, मैं कितना रोऊंगा, मैंने अंदर से खत्म हो गया, मेरी जान खत्म हो गई अंदर, मेरा जीने का जिंदगी का मकसद खत्म हो गया, मैं क्या करूँ। बल्कि मैं आपको अपनी बेटी का लास्ट वॉइस मैसेज सुनाना चाहता हूँ, जो 35 इस वाक्य से 35 मिनट पहले का वाक्य है, जब मैंने उसे कहा कि आप सो जाओ, ये मेरी बेटी का, मेरी जान का, ये मेरे लिए लास्ट मैसेज था। ये बाबा आप नीनू करें भाई, बाबा आप नीनू करें भाई।